हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लास। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारा पार्ट नंबर 8, विशेषण, है ना, इंग्लिश में जिसको एडजेक्टिव बोलते हैं। और इससे पहले हमने पार्ट नंबर 7 में सर्वनाम के बारे में पढ़ा था, और आज हम पढ़ने जा रहे हैं पार्ट नंबर 8, विशेषण, और इंग्लिश में जिसे बोलते हैं एडजेक्टिव। विशेषण विशेषता बताने वाले शब्द, है ना। तो जो भी विशेष, जैसे कि नीला आसमान, है ना, हरे पत्ते, है ना, मीठा आम, है ना, काला कौवा, तो ये जो शब्द आ रहे हैं यहाँ पर, ये क्या है, विशेषण शब्द का हम काम में ले रहे हैं, है ना। तो बुक में देखिए पेज नंबर 38, है ना। तो उसमें क्या लिखा है, हम पाठ को एक बार पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं कि ना, हमें संसार में अनेक प्रकार के व्यक्ति, प्राणी सब दिखाई देते हैं, लेकिन सब क्या है, एक जैसे नहीं है। सबकी अलग अलग क्या है, विशेषताएं है। कैसे कैसे, सब में कुछ ना कुछ अलग होता है। जैसे कोई लंबा है, कोई छोटा है ना, जैसे पहाड़ है तो पहाड़, कई पहाड़ बहुत ऊँचे हैं, कोई थोड़े छोटे हैं, कई पेड़ जैसे बहुत भारी, मतलब बहुत घने हैं, कोई कुछ हल्के फुल्के हैं, कुछ छोटे हैं, है ना। और आसमान देखिए, कभी नीला दिखाई देता है, कभी हमें एकदम सफ़ेद बादलों में दिखाई देता है, तो वो सब क्या है, विशेषताएँ हैं। तो यहाँ पर दो उदाहरण से हमें समझाया जा रहा है, जैसे एक मोटा आदमी है, दूसरी तरफ पतला आदमी, तो ये चित्र में क्या है, एक आदमी पतला है और एक आदमी मोटा है, तो ये उनकी क्या है, विशेषताएँ। तो व्यक्ति या वस्तु की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं, या हम परिभाषा में इस तरह कहें, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को ही हम क्या कहते हैं, विशेषण, या छोटे रूप में ऐसे भी कह सकते हैं हम कि विशेषता बताने वाले शब्दों को ही हम क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। अब विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, मतलब कौन कौन से होते हैं। एक तो होता है गुण बताने वाले, जो गुण बताते हैं, क्वालिटी बताते हैं, जैसे कि सुंदर, मीठा, मोटा, ऊंचा, छोटा, है ना, ये सब। जैसे यहाँ पर उदाहरण दिए ना, काला घोड़ा, लाल गुलाब, सफ़ेद खरगोश, मोटा आलू, ये सब क्या है, विशेषण शब्द है। फिर सबसे पहले हम देखते हैं गुण बताने वाले विशेषण शब्द, है ना। तो सबसे पहले विशेषण की परिभाषा, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को ही विशेषण कहते हैं। फिर विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, विशेषण 3 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, सबसे पहला है नंबर 1 गुण बताने वाले, ठीक है, नंबर 2 संख्या बताने वाले या गिनती बताने वाले, और नंबर 3 पे है मात्रा या नाप तोल बताने वाले विशेषण, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं गुण बताने वाले सर्वनाम शब्द, ठीक है, सॉरी विशेषण शब्द। जैसे इसमें कौन कौन से शब्द आते हैं, सुंदर, मधुर, मीठे, साफ, गुलाबी, मोटा, पतला, काला, छोटी, ऊंचा आदि। तो जैसे कोयल मधुर राग सुना रही, तो मधुर क्या है, जैसे यहाँ पर मीठा लिखा है, तो मीठा का ही मधुर होता है, तो वहाँ पर मधुर क्या है, गुण बता रहा है उसके। फिर आम मीठे हैं, मीठा आम है, और तो मीठापन क्या है, आम की विशेषता है। मोर के पंख सुंदर है, तो पंखों की जो विशेषता वो क्या है, सुंदर है, तो यहाँ पर ये गुण बता रहे हैं। तो गुण बताने वालों में क्या क्या हो सकता है, सुंदर, मीठा, छोटा, बड़ा, ऊंचा, है ना, ये सब। फिर है गिनती या संख्या बताने वाले, गिनती या संख्या बताने यानी नंबर बताते हैं संख्या के बारे में, जैसे कि 1, 1 दर्जन, 10, कुछ, अधिक। जैसे उदाहरण देखिए, कुछ लोग सर्कस देख रहे हैं, कुछ लोग मतलब वहाँ पे बहुत सारे लोग हैं लेकिन कितने हमें पता नहीं, तो कुछ लोग। फिर मैंने 1 किलो आलू खरीदा, है ना, संख्या के बारे में 1 किलो। फिर 1 दर्जन केले लिए। फिर अगला है मात्रा या नाप तोल, है ना, नाप तोल के बारे में बताना, जैसे कि 1 लीटर, 2 किलो, है, 1 मीटर आदि शब्द। जैसे यहाँ उदाहरण है, यह सब्जियाँ थोड़ी हैं, 1 किलो दूध दे दो, 1 मीटर कपड़ा दे दो,
इस पाठ में हमने सीखा कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को ही विशेषण कहते हैं। विशेषण तीन प्रकार के होते हैं, सबसे पहले गुण बताने वाले, नंबर दो संख्या बताने वाले, और नंबर तीन पर मात्रा या नापतोल बताने वाले विशेषण।